संपत्ति का मालिक ये कैसे बना? पटना से रांची तक इतनी संपत्ति अर्जित कैसे हुई है? चीटिंग के सिकंदर के पास कितनी संपत्ति है और क्यों बिहार के डिप्टी सीएम सिकंदर यादवेंदु की संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं? रांची के पौश इलाके में बने इस आलीशान बंगले की भव्यता से समझिए। ये मकान किसी और का नहीं है बल्कि नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड बताए जा रहे सिकंदर यादवेंदु का है। रांची के बरियात इलाके में मौजूद इस कोठी की कीमत करोड़ों में है, जिसका ग्राउंड फ्लोर सिकंदर यादवेंदु ने छुट्टियों में पटना से रांची आने पर रहने के लिए छोड़ रखा है, जबकि ऊपरी हिस्सा उसने किराए पर दे रखा है। बताया जाता है कि एक वक्त था जब सिकंदर के पास रहने के लिए घर नहीं था। उस वक्त वो रिम्स में पीएचडी और भवन निर्माण विभाग का छोटा मोटा काम किया करता था। फिर 2012 में जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर बहाली मिली तो सिकंदर यादवेंदु की शान और शौकत की तस्वीर बदल गई। अब सिकंदर की अकूत संपत्ति की दूसरी तस्वीर देखिए। रांची की हरमू रोड पर 4 महीने पहले सिकंदर ने अपने बेटे होमिया आनंद के लिए इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के नाम से शोरूम खोला। यहां हर बड़े ब्रांड का स्पोर्ट्स आइटम मौजूद है। जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के बाद से सिर्फ सिकंदर की संपत्ति नहीं बढ़ी, सिकंदर के सहयोगियों की संपत्ति भी दिन दोगुनी रात चौगुनी होती चली गई। इस लिस्ट में पहला नाम सिकंदर के सहयोगी और जमीन कारोबारी अवधेश कुमार का है। बताया जाता है कि अवधेश के जरिए ही सिकंदर अपनी काली कमाई को सफेद करता था। रांची के कांके ब्लॉक में अवधेश का आलीशान बंगला है। अवधेश के भाई पप्पू यादव ने साफ लफ्जों में सिकंदर से किसी रिश्ते से इनकार किया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पेपर लीक केस में पुलिस अवधेश और उसके बेटे अभिषेक को गिरफ्तार कर चुकी है।